आज हम बनाए हैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही कम टाइम पे बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमने बनाया कैसे है। तो यहाँ पे हम लिए हैं एक पत्ता गोभी, आलू, टमाटर और प्याज, लहसुन भी। तो हम क्या करेंगे, इस पत्ता गोभी को हम अच्छे से धुल लेंगे और ऊपर के जो ये पत्ते हैं इनको एक दो पत्ते हम निकाल देंगे। तो आप कभी भी देखिए ना पत्ता गोभी लीजिए तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि इसमें होल ना हो, और इसमें इसमें सिर्फ निशान लगे हैं, इसमें कोई सा भी होल नहीं है, ये दाग धब्बे हैं इसमें। तो उसके हम ऊपर के पत्ते हम निकाल देंगे और फिर हम एक एक पत्ते से अच्छे से धुल लेंगे और फिर चॉप कर लेंगे पतला पतला। ये देखिए हम इसके ऊपर के पत्ते निकाल दिए हैं, जो भी दो तीन पत्ते ख़राब से दिख रहे थे वो हम निकाल दिए। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम गर्म पानी में इसको धुल लेंगे। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी होने के लिए रख दी थी और इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक, क्योंकि जो भी हमारे अंदर डाउट है ना कि कीड़ा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम गर्म पानी से धुल लेंगे, और कोई भी आप सब्ज़ी बनाते हैं ना तो उसको गर्म पानी से ज़रूर वॉश किया करिए, क्योंकि आजकल के टाइम पे ना कोई वो नहीं है, कोरोना भी इतना चल रहा है, तो आप गर्म पानी से ज़रूर सब्ज़ियों को वॉश किया करिए, फिर उसके बाद ही बनाया करिए। मैं अधिकतर सब्ज़ियों को गर्म पानी से वॉश करती हूँ फिर ही बनाती हूँ। तो हम इसको 2 मिनट तक ऐसे पड़े रहन देंगे और फिर उसके बाद जो पोहा वाली छन्नी होती है ना उसमें हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं पोहा वाली छन्नी में निकाल ली हूँ, इससे क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो पूरा निकल आएगा। तो इसमें हम पानी नहीं रहने देंगे, पूरा निकाल देंगे पानी जो भी होगा। और इसके बाद हम रखेंगे कढ़ाई, उसमें मैं 2 चम्मच ऑयल डाल ली थी। तो जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, और जीरा जब अच्छे से तड़क जाएगा हमारा तो फिर हम इसमें मिर्च डाल देंगे, और उसके बाद हम एक चुटकी डाल देंगे हींग, और फिर हींग डालने के बाद हम इसमें जो हमने चॉप की हुई थी प्याज वो डाल देंगे, और प्याज को ऐसे ही चॉप करना है पतला पतला सा। तो इसको भी हम 2 मिनट तल लेंगे, और जब ये 2 मिनट तल जाएगी तो फिर हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमारी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू, और फिर आलू डालने के बाद भी 2-3 मिनट ये आलू और प्याज अच्छे से तल जाएंगे। और फिर जब ये दोनों अच्छे से तल जाएंगे, मतलब पूरी तरीके से नहीं तलेंगे, आधा तल जाएगा, फिर बाद में हम इसमें डाल देंगे अपनी कटी हुई पत्ता गोभी। प्याज और आलू को तलते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं, तो ये आधे तल गए हैं, मतलब आधी प्याज और आधे आलू भी। तो अब हम इसके साथ में ही डाल देंगे पत्ता गोभी। तो क्या होगा कि ये जो हमारे अभी आधे तले हुए हैं ना, तो ये पत्ता गोभी के साथ में और अच्छे से तल जाएगी प्याज भी और पत्ता गोभी, क्योंकि अगर हम पूरा अच्छे ब्राउन होने तक तल लेंगे तो फिर जब हम पत्ता गोभी तलेंगे तो फिर उसमें जल जाने का डर रहता है प्याज और आलू का। तो इसलिए हम आधा ही तलते हैं और फिर पत्ता गोभी के साथ में आधा ये तल जाता है। तो ऐसे करके बनाएंगे ना तो आपकी सब्ज़ी जलेगी भी नहीं और टेस्टी भी बनती है। तो इसको भी हम 2-3 मिनट तक ऐसे करके आगे खुला करके तल लेंगे, और फिर उसके बाद हम ढक के पका लेंगे 2-3 मिनट। ये देखिए इसको हम 2 मिनट खोल के पकाए थे और 2 मिनट ढक के पकाए थे, तो हमारी पक गई है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी, और हल्दी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, तो वो कश्मीरी मिर्च थी, वो तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए इसको डाल दो ना तो कलर अच्छा आता है। ये देखिए ये सब कुछ हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला, और गरम मसाला भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर हम इसके बाद डालेंगे टमाटर, क्योंकि ये हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक गई है। और तो हम क्या करेंगे कि सब्ज़ी को अच्छे से साइड में कर देंगे, और साइड में करके फिर हम इस तरफ हम लगा देंगे टमाटर डाल देंगे, और टमाटर डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सा नमक।
नमक डालने से क्या होता है ना कि आप कभी भी टमाटर डालिए उसके ऊपर नमक डाल दीजिए, तो जो हमारे टमाटर हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो हम इसमें सिर्फ आप टमाटर के हिसाब से ही नमक डालिए, क्योंकि नमक तो हम पहले से ही डाल चुके हैं ना। तो फिर हम क्या करेंगे कि जो सब्जी हमने साइड में की हुई थी तो इससे हम ढक देंगे, तो ये और जल्दी पक जाएगी। बस इसको 2 मिनट तक ऐसे ही ढक के पका लेंगे। ये देखिए टमाटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं, तो अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी सब्जी बनके अब तैयार हो गई। अब हम इसमें डाल देंगे चॉप की हुई हरी धनिया और फिर हम इसको सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए तो हमारी सब्जी बनके तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही कम टाइम पे बन जाती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।